दिल्ली द्वारिका रे स्कूल छात्री को एसिड मार घटना रे एक्शन मोड रे दिल्ली महिला कमिशन अध्यक्ष ऑनलाइन डेलीवरी संस्था अमेज़न एवं फ्लिपकार्ट को नोटिस पठाई छंती स्वाति मालीवाल किभली एवं केउ परिस्थिति रे अमेज़न एवं फ्लिपकार्ट रे एसिड बिक्री होउची ता जानिबा पई नोटिस पठाई छंती स्वाति से कहिसंती छात्री को मार होइथिबा एसिड फ्लिपकार्ट रु मगाइथिले दुर्बृत्त ऑनलाइन जरिया रे एसिड मिलिबा घटना चकित करिछि फ्लिपकार्ट भली अमेज़न मध्य एसिड बिक्री करूछि एई एसिड केउठु आसुछि एवं किए देउछि ता जानिबा पई नोटिस पठा जाइछि गतकाली दिल्लीर द्वारिका अंचल रे जने स्कूल छात्री को बाइक रे आसी एसिड मार करथिले दुई युवक छात्री जनक हॉस्पिटल रे चिकित्सित होउथिबा बेले घटना रे तीन जन को गिरफ करिछि पुलिस। एक 17 साल की लड़की के साथ दिल्ली में एसिड अटैक करा गया, उसके ऊपर कुछ लोगों ने एसिड फेंक दिया। ये बताया जा रहा है कि ये एसिड उन अपराधियों ने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन खरीदा था। जब हमने चेक करा तो हमने पाया कि अमेज़न पे भी एसिड खुलेआम बिक रहा है। तो ये जितनी ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स हैं, वहाँ एसिड अवेलेबल है। मतलब एक बटन दबाइए और एसिड की घर में होम डिलीवरी हो जाएगी। तो ये चल क्या रहा है इस देश में? हमने नोटिस इश्यू करा है फ्लिपकार्ट को और अमेज़न को कि वो हमें एक्सप्लेन करे कि एसिड उनकी साइट पे किन किन सेलर्स ने बेचा और किन किन ने खरीदा और क्या एक्शन होना चाहिए फ्लिपकार्ट और अमेज़न के खिलाफ कि वो इतना इल्लीगल काम इतने धड़ल्ले से कर रहे हैं।